आज हम जा रहे हैं अपनी चौथी ट्रिप पर, जो कि है दादरा नगर हवेली। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली दमन से बहुत नज़दीक है। दादरा नगर हवेली सन 1818 से 1954 तक पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन में था। उसके बाद सन 1961 में यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। सातमाड़िया डियर पार्क दादरा नगर हवेली का एक मुख्य आकर्षण है। यह खानवेल सिलवासा रोड पर स्थित है। सातमाड़िया डियर पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के हिरण हैं, जैसे कि सांबर, चीतल, नीलगाय। इसके अलावा यहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षी भी हैं, जैसे कि मोर, लकड़बग्घा। इस पार्क में आने के लिए एंट्री फी देनी पड़ती है। भारतीय नागरिकों के लिए यह ₹25 है और विदेशी नागरिकों के लिए ₹100 है। यहाँ आप स्टिल फोटोग्राफी फ्री में कर सकते हैं, लेकिन मूवी कैमरा ले जाने के लिए आपको ₹100 कैमरा टिकट लेनी पड़ती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर दो बस सफारी है, जो कि हर 30 से 45 मिनट में फेरी करती है, और अंदर जाने पर सैलानी 5 से 10 मिनट तक अंदर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के हिरण बिना किसी डर के घूम सके, ऐसा वातावरण निर्माण किया गया है। ये फोटोज भी इसी एक पल में लिए गए हैं। पार्क के अंदर एक वॉच टावर भी है, जहाँ से पूरा सातमालिया पार्क देखा जा सकता है, दूर स्थित मधुबन डैम भी। तो यह था सातमालिया डियर पार्क। आप भी अपने परिवार फ्रेंड्स के साथ ज़रूर विजिट करें, और गुजरात और देश के अलग अलग जगहों के ट्रैवलिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।